दोस्तों, अगर आप 9th, 10th, 11th या 12th क्लास में आ चुके हैं तो आज की ये वाली वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ सपोर्ट मटेरियल शेयर करने वाला हूं। ये सपोर्ट मटेरियल आपको सत्र 2023-24 जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। कैसे मिलेगा आपको ये सपोर्ट मटेरियल, कहाँ से मिलेगा, साथ में सपोर्ट मटेरियल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे ये हमें पास होने में हेल्प करती है, ये हमें अच्छे मार्क्स लाने या टॉपर बनने में काफ़ी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। उससे पहले आपको वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि स्टार्टिंग से ही आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप में से कुछ बच्चे सपोर्ट मटेरियल से पहले से परिचित होंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या उन बच्चों की भी है जो सपोर्ट मटेरियल को ही नहीं जानते हैं, या अगर उनके पास है तो भी उसके बेनिफिट उन्हें नहीं पता है। 8th क्लास से पास होने के बाद 9th क्लास में आए हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको पहली बार ही सपोर्ट मटेरियल नाम की कोई चीज़ सुनने को मिल रही होगी। तो चलिए मैं आपको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। ये जो आपको साइट दिख रही है एजुकेशनल DOE की साइट है, और यहाँ तक आने के लिए आपको गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि इस तरह से होगा। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे अगर आप जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर आपको मिलेगा एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन, क्लिक कर दीजिए इसमें। इसमें क्लिक करते ही आपको ये पास एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि कुछ इस तरीके का था, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें तो मिलती हैं, साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा एकेडमिक। तो यहाँ पर आप इसे जूम करेंगे और यहाँ पे आपको एक एकेडमिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते फिर से आपके स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा जाना है और यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। अब सपोर्ट मटेरियल जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं ऑप्शन पर, तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है, जो कि ये सपोर्ट मटेरियल है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझेंगे आप, नए सेशन का भी आपको मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपको क्या शो हो रहा होगा, सपोर्ट मटेरियल। थोड़ा सा मैं आपको इसे दिखा देता हूँ अच्छे से। यह है सपोर्ट मटेरियल, देखो यहाँ पर फिलहाल आपको 3 साल का मिल रहा है, चौथे का कैसे मिलेगा आपको मैं बताने वाला हूँ। यह है 2022-23 यानी कि पिछले सेशन का। थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यह है 21-22, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यह है 2020-21, यानी कि आपके स्क्रीन पे 2021-22 और 2022-23 तीनों सेशन का दिख रहा होगा। तो चलिए मैं पहले इसे ही आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको नया कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबके लिए क्या लिखा हुआ है, ओपन लिंक, ठीक है। तो ओपन लिंक अगर आपने अभी 2022-23 का देख लो, तो यहाँ पर हम 2022-23 को इसे ओपन कर लेते हैं। लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे एक नया इंटरफेस नज़र आ जाता है। और ये बेसिकली सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, क्लास 9th से लेकर के 12th क्लास तक, ठीक है, सभी का होता है। लिखा भले यहाँ पर 9th एंड 11th है, लेकिन ये 9th से 12th तक आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो इसे समझ लेते हैं पहले, ये आपके सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश है, मैथ है, सारे सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सपोर्ट मटेरियल इंग्लिश मीडियम। सपोज़ कीजिए आपकी मैथ या साइंस या SST आपकी इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश मीडियम का डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको उर्दू मीडियम में चाहिए तो भैया बहुत ही कमाल का मतलब है कि आप उर्दू मीडियम में भी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता सपोर्ट मटेरियल हिंदी मीडियम में, राइट। तो हिंदी मीडियम जो भी आपकी मीडियम होगी उसे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगी, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में मिलेंगी, है ना। तो भैया इंग्लिश में मिलेगी आपको। और यहाँ पर आप देखोगे तो सोशल साइंस, अब यहाँ पर आपको 10th का मिल जाएगा, सेम इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर 10th 11th का मिल जाएगा, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, है ना, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, सारे हैं, मतलब पॉलिटिकल, संस्कृत, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, सॉरी, सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आप 12th का आपको सेम यहाँ पर
मिल जाएगा। तो जैसे अब 9th 10th 11th 12th चारों का सेम तरीका आपको फॉर्मेट आपको यूज़ करना है और आप अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये आपके लिए मतलब 2022-23 का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई सा भी है, तो आपका सपोज कीजिए आप, क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट हो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो सोशियोलॉजी हमारा है हिंदी मीडियम है, तो आपको हिंदी मीडियम में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2021-22 का मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे आपने अपने वाले सब्जेक्ट का 2022-23 का डाउनलोड कर लिया, उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर 21-22 का भी डाउनलोड करना है। ये मत सोचें कि आपको 23-24 का मिल गया है तो आप पुराने वाले का क्या करेंगे, आपको डाउनलोड करना है सारे के सारे, और ये फ्री होता है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेम यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको पुराने सेशन का, ठीक है, पिछले सेशन का सेम 9th-12th है, उसके बाद आपको पुराना वाला फिर से देखेंगे, है ना। तो ये आपको कहाँ गया, यस ये पुराना सेशन आपको 2021-2021 का, तो 2021 का आपको सपोर्ट मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा, और सेम आपको जैसे 9th-12th यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो भी आपकी जो क्लास है उस क्लास के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे के सारे आप सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो इस सेशन का हो, पिछले सेशन का हो, या और पिछले सेशन का हो। और आपने क्या करना, अगर आपके पास फैसिलिटी है इसे प्रिंट आउट करने की, क्योंकि पीडीएफ में आपके डाउनलोड हो जाएगा, एक तरह से पूरी बुक है ये, अगर आपके पास इसे डाउनलोड या सॉरी प्रिंट करने का ऑप्शन है, या आपको सस्ते में या फ्री में हो जाता है, तो आप हर एक सपोर्ट मटेरियल को कॉपी टाइप का बना लें, अदरवाइज आप अपने लैपटॉप या फ़ोन में भी इसे रख सकते हैं और आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको नया कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये है आपके लिए सपोर्ट मटेरियल यहाँ पे, ठीक है, न्यू करके दिखा रहा है। न्यू का मतलब है कि अभी जो नया सेशन जो चल रहा है उसका यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब कुछ टाइम बाद ये आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो 2022-23 है वो बदल करके 23-24 हो जाएगा, और आप टाइम टू टाइम इसे रिफ्रेश करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखो जो भी सपोर्ट मटेरियल है ना, वो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और जब तक आपका नया सेशन का आता है तब तक आप पुराने पुराने और पुराने जितने भी आपको तीनों मिलेंगे, इससे पहले कि पुराने वाला हट जाए, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चैप्टर वही है, क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत बदलते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। कई बार क्या हो जाता है, आपने ये 2022-23 का अभी सेशन चल रहा है 2023-24, तो आप 2022-23 का ना बल्कि 2021-22 का सेम आ जाता है, तो आपने सारे के सारे अभी से ही उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम आती है, साइंस में प्रॉब्लम आती है, तो आप अभी से ही सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी एक अच्छी तैयारी शुरुआत से ही हो जाएगी। आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल और अच्छा लगा होगा ये वीडियो, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करा करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम इसी तरह के अपडेट शेयर करते रहेंगे। आप हमसे व्हाट्सअप से और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।